दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को भारत ने 151 रनों से जीत लिया है। वहीं मुकाबले का पांचवा और अंतिम दिन बेहद रोमांचक रहा, जहां टीम इंडिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रनों का टारगेट दिया। वहीं इसके जवाब में मेजबान टीम ने महज 120 रन पर ही सिमट गई। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है। वहीं श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश के चलते ड्रॉ रहा था, अब दोनों टीमों के बीच लीड्स में तीसरा मैच खेला जाना है। वहीं मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए। वहीं सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 83 जबकि केएल राहुल ने 129 रन बनाए। वहीं विपक्षी टीम की ओर से जेम्स एंडरसन को सर्वाधिक 5 विकेट हाथ लगे थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने कप्तान जो रूट के दम पर पहली इनिंग में 391 रन बनाए। इसी के साथ मेजबान टीम ने 27 रनों की लीड भी हासिल की। वहीं जो रूट ने 18 चौकों की मदद से 180 रन बनाए। यह रूट का इस सीजन में दूसरा शतक रहा। उनके अलावा जोस बटलर ने 57 रन टीम के खाते में जोड़े। वहीं भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 जबकि ईशांत शर्मा ने 3 विकेट झटके। वहीं अगर दूसरी पारी के बारे में बात करें तो दूसरी पारी में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। महज 27 रन तक टीम ने केएल राहुल और रोहित शर्मा का विकेट गंवा दिया था। वहीं कप्तान विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर सके और महज 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यहां से चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने टीम को संभालने की कोशिश की। वहीं दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई। वहीं पुजारा 45 के स्कोर पर आउट हुए। इसके कुछ देर बाद रहाणे 61 रन बनाकर चलते बने और यहां से भारत संभल नहीं सका। वहीं भारत 209 रनों के स्कोर तक 8 विकेट गंवा चुका था, लेकिन यहां से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने 89 रनों की अटूट साझेदारी कर मैच का रुख पलट दिया। शमी ने 56 जबकि बुमराह ने 34 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं भारत ने 298 रनों के स्कोर पर पारी को घोषित कर दिया। वहीं इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड दूसरी पारी में शुरुआत से ही लड़खड़ा गई। टीम ने 1.4 ओवर तक रोरी बनर्स और डोमिनिक सिबले के रूप में सलामी बल्लेबाजों को खो दिया। वहीं दोनों ही खिलाड़ी अपना खाता तक नहीं खोल सके। इसके बाद कप्तान जो रूट ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह 33 रन से आगे नहीं बढ़ सके। वहीं इंग्लैंड ने 90 के स्कोर तक 7 विकेट खो दिए थे, लेकिन जोस बटलर ने टिक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला ड्रॉ की ओर जा रहा है, लेकिन इसी बीच इंग्लैंड ने 7 गेंदों में अंतिम 3 विकेट गंवाकर भारत को लीड बनाने का मौका दे दिया। वहीं भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 3 जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 शिकार किए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।